आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुप्रिया किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकोड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हमने गोभी को जो है इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको कट कर लिया है और अच्छे से धो करके इसको हमने थोड़ी देर रख दिया था इसमें पानी सूख जाए। अब हम इसकी कोटिंग के लिए हम डाल रहे हैं मैदा 2 चम्मच और हम इसमें मिक्स करेंगे चावल का आटा 1 चम्मच। आप मैदे की जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के आटे से क्या होगा, पकोड़ा जो है वो कुरकुरा बनेगा। चावल का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्रंची पकोड़े बनेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। पकोड़े का थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं काली मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो है कोटिंग जो है बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अब सारे को ऐड करते हुए हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए हम इसको गोभी को जो है वो कोटिंग में तैयार कर लेंगे। देखिए गोभी की कोटिंग जो है अच्छी तरीके से हो चुकी है और देखने में भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो हमने तेल गरम कर लिया, इस तरीके से चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पकोड़ों को तेल में तल लेंगे। आप तेल अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो पकोड़े एक बार में ज़्यादा निकलेंगे, तो हमने थोड़े तेल का प्रयोग किया है। इसको तलते समय हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम हो, इससे जो है पकोड़े बहुत ही क्रंची बनेंगे। गोभी तो बहुत लोग की फेवरेट होती है, तो गोभी की ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसको स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं चाय के साथ। इसको हमें अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए पकोड़ा जो है वो फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकाल करके अलग रखेंगे। बाकी गोभी की जो कोटिंग है इसको हम फिर से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पकोड़ों को इस तरीके से फ्राई कर लिया, देखने में ही कितने क्रंची लग रहे हैं और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। यह झटपट से तैयार होने वाला स्नैक्स है, इसको बच्चे बहुत ही मन से पसंद करेंगे और बड़े भी सब तारीफ करेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से गोभी के पकोड़े आप बनाकर देख सकते हैं। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं आप, या आप जिस तरीके से खाना चाहें चाय के साथ ले सकते हैं। तो हमने मिर्च भी रख लिए हैं फ्राई करके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।